नमस्कार, मैं उमेश, DVC हॉस्पिटल के मर्चरी हाउस में हम लोग हैं। यहाँ पर आज एक दुर्घटना घटी है। सबसे पहले तो जाने की मुद्दा क्या है, ये मर्चरी हाउस के पास एक डेड बॉडी को यहाँ पर रखा गया है और मांग है कि DVC प्रबंधन से उनके जगह नौकरी दी जाए। चलिए पहले पूरा वाक्य जाने, क्या घटना घटी है। जिनका देहांत हुआ है वो सीनियर डिविजनल इंजीनियर हैं, अभिनय यादव उनका नाम है। बहुत दिन से चंद्रपुरा में वो कार्यरत है, ये DVC में ही। हाँ, इंजीनियर हैं वो, और एक अच्छे मतलब इंजीनियर हैं, बहुत कर्मठ और अपने काम के प्रति बहुत मतलब लगन है। इनका घर में ही सुनते हैं कि में शिफ्ट ड्यूटी चलता है इनका। ड्यूटी के बाद आए थे, तबीयत खराब हुई थी रात में, रैक अनलोडिंग वगैरह के बारे में हम लोग सुने हैं कि हुआ है उनका जॉब में जो था। सुबह में इनका तबीयत ख़राब हुआ है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि वर्कलोड है बहुत, यहाँ मैन पावर के हिसाब से जितना काम है उतना मैन पावर नहीं है। अभी जो प्रक्रिया यहाँ पे रुकी हुई है सिर्फ इसी वजह से है कि मेरी मांग है कि मेरे पति के बिहाफ में मुझे जॉब मिले, उसके लिए वो राज़ी नहीं है और इसलिए हम यहाँ पर बैठे हुए अपनी बात मनवाने के लिए। मेरे साथ दीदी, ऐसा कुछ बात बोला गया है उन लोगों के द्वारा कि वो राजी नहीं है? बोला है कि 15 लाख रुपए वो एज अ कंपनसेशन देंगे और उसके बाद ऐसा कुछ नहीं, नौकरी का नहीं है। लेकिन फिलहाल उन्होंने ऑन ड्यूटी ये भी मानने को तैयार नहीं है कि वो ऑन ड्यूटी थे। ऑन ड्यूटी मतलब सिर्फ वो 2 मिनट के लिए, 10 मिनट के लिए जो भी है, लंच टाइम के लिए था। उन प्रावधान यही है कि ड्यूटी आवर में ही इसको माना जाएगा। क्या कि 8 बजे से लेके 5 बजे तक जो ड्यूटी का 8 घंटा टाइम है DVC का, उसके बाद 1 घंटा जो है उसको ग्रेस रहता है। मैं तो बस एक चीज़ जानता हूँ, जिसका परिवार गया, जिसका बच्चा गया, जिसका पति गया, वो जानता है कि खोने का दर्द क्या होता है। राजनीति होगी, नौकरी मिल जाएगा, ये बात अलग है। हो सकता है मुआवजा भी आप दे देंगे, लेकिन उसका उस परिवार को वापस नहीं कर पाएंगे जिसकी क्षतिपूर्ति इस भारत में 130 करोड़ जनता नहीं कर पाएगा। आप DVC प्रबंधन हैं या आपका निचला अधिकारी हो या ऊंचला अधिकारी, मायने ये नहीं रखता। मायने ये रहता है कि जब आप सर्कुलर पैनल पर काम लेने के लिए तैयार होते हैं तो कम से कम फास्टेड और सिस्टम को ऐड को दुरुस्त करें। हॉस्पिटल के नाम ने अपने काकापूर्ति बना रखी है, लंबा चौड़ा हॉस्पिटल आपने बनाया है, बट एज पर द रेगुलेटरी सिस्टम ऑफ द मेडिकल यू आर ऑन द वे ऑफ 0। आई डोंट नो दैट व्हाट इज, यू आर हैविंग द वेरी वेल क्लासिफाइड बिल्डिंग, वेल रिकॉग्नाइज्ड बिल्डिंग, इट इज अप्रूव्ड फ्रॉम द MCI, बट वेन यू गो टू वॉच द साइट्स ऑफ मेडिकल ट्रीटमेंट, आई जस्ट सिंपली अप्रिशिएट यू दैट यू आर स्टिल ऑन द 0 कंडीशन। भाई सब क्या होना चाहिए? निश्चित तौर पर इनको अनुकंपा के आधार पर नौकरी मिलनी चाहिए जी। और ऐसा पहले भी हो चुका है DVC में, और ये नौकरी आवर में ही डेथ किए हैं, क्योंकि जब ये रोड में सेकेंड आवर में ड्यूटी जा रहे थे उसी समय अनईजी फील हुआ है और मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए इन्होंने भर्ती हुए हैं, बस आधा घंटा में इनका। अगला स्टेप यही होना चाहिए जो हम लोग के बीच में आज जो हमारे इंजीनियर थे अभिनव यादव जी आज नहीं रहे, उनके साथ जो घटना हुआ है, दुखद घटना हुआ है, इसके लिए सारे जनप्रतिनिधि हम लोग अफसोस जाहिर करते हैं और ऊपर वाला से हम लोग यही दुआ करते हैं कि उनके परिवार को इस क्षतिपूर्ति का उनको पूरा। अभी जो बात की है उनकी वाइफ से, उन्होंने कहा कि केवल 15 लाख रुपया उनको बोला जा रहा है, आप 15 लाख रुपया लें, क्या एक इंसान का कीमत 15 लाख रुपया? नहीं नहीं, ये तो प्रबंधन को सोचना चाहिए, क्योंकि ये उसी का ये सदस्य थे, इंजीनियर थे। जनप्रतिनिधि लोगों का क्या होना चाहिए? आंदोलन करेंगे हम लोग, सीधा बात है, आंदोलन करेंगे। एक बात हम पूछे भैया, मजदूर के लिए तो यूनियन नेता आ जाता है, फर्स्ट क्लास ऑफिसर के लिए आप लोग आंदोलन करेंगे क्या? एकदम करेंगे, वो इंसान की इंसानियत देखना है हम लोग को, इंसान भी इंसानियत की बात है। हाँ, इंसानियत की बात। लेकिन यहाँ 15 लाख रुपए में उनकी जान की कीमत प्रबंधन ने लगा दी है, उनको दबाव बनाया जा रहा है उनकी वाइफ पर कि आप कृपया लास्ट को। नहीं, मेरे कहने का मतलब है आप जिंदा में कुछ भी हो सकते हैं, आप इंजीनियर हो सकते हैं, मंत्री हो सकते हैं, बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन मरणोपरांत आपके साथ जो खड़ा रहेगा वही व्यक्ति आपका है। कि दो ऐसे घटना घट चुकी हैं, और मैंने पहले भी कहा लोगों को कि चंद्रपुरा के जो भी जनप्रतिनिधि हैं, चाहे यूनियन है, लास्ट पर राजनीति करना बंद करें, उससे पहले हम लोग वार्ता करें। और जो भी आप सोच सकते हैं, क्लास वन का अफसर का अगर 15 लाख है तो मजदूर का क्या होगा? और इतना अच्छा इंजीनियर थे ये कि किसी भी टाइम जब भी प्लांट में बुलाया जाता था हम उनके साथ रहते थे, हम उनके साथ काम किए हैं, हमारा साथ जब वो ज्वाइन किए थे उस समय से हम उनके साथ में थे। अभी वो फ्यूल सेक्शन में चल गए थे, हम CSP में हैं,
तो इतना अच्छा इंजीनियर थे, किसी का बात को भी इतने अवॉइड नहीं करते थे। अच्छा एक बात पूछे, जी बोलिए, ड्यूटी आवर का प्रेशर है क्या? हाँ जी हाँ, आप लोगों पर भी है, तो एडमिनिस्ट्रेटिव मतलब एक क्लास के ऑफिसर थे, हाँ, आप लोगों पर भी है? हाँ ड्यूटी का प्रेशर तो है, एक तो मेन पावर कम है, ऊपर से उधर से हेडक्वार्टर से बोलना है कि नहीं प्लांट में मेन पावर ज़्यादा है, ज़्यादा है। अगर मेन पावर ज़्यादा रहता तो आज इस तरह का घटना नहीं घटती। इस मर्चरी हाउस श्रीमान, यहाँ तो सबको आना, हमको भी आना, आपको आना है, ढंके की चोट पर हमने सदा ये बात कहा है, यही वो घर है श्रीमान। या तो हॉस्पिटल या शमशान कहीं भी जाने के पहले यहाँ से दर्शन होगा। बस एक बात कहेंगे कि अगर आप प्रबंधन हैं तो रेगुलेटरी पैनल का हवाला देकर और नौकरी से टर्मिनेट का हवाला देकर 12 से 14, 16, 24 घंटे का पैनल पर काम कराएंगे तो निचला अदालत में तो आप बच जाइएगा, एक ऊपर भी जवाब देना पड़ेगा। वहाँ पर मुझे लगता है आपके भी घर में बीवी हैं, बच्चे हैं, माँ है, बाप है, दोस्त है, यार है, उनके साथ अगर ये घटना घटा रहता श्रीमान तो क्या होगा? वो भी ऑन ड्यूटी में ही आता है, तकलीफ हुई है, घर आए हैं और उसके बाद कब तक आप लोग, अगर मान लीजिए ये बात नहीं मानी जाती है एक दो दिन तक, तो आप लोग जब तक बात नहीं मानी आएगी, दो दिन, चार दिन, हफ्ता, हम यही हैं। चलिए इस तकलीफ से निकलना बहुत मुश्किल है, लेकिन डीवीसी प्रबंधन से तो आवाज़ उठेगा और डंके की चोट पर उठेगा, क्योंकि जिस तरीके से आपने करोड़ों का हॉस्पिटल यहाँ बना कर रखा है श्रीमान, और एक पेशेंट को किस तरीके से सुपरविजन स्टेटमेंट के माध्यम से उसको फर्स्ट एड करना चाहिए, अगर ये भी बताने की ज़रूरत नहीं है तो मुझे लगता है महज आप एक खानापूर्ति कर रहे, और 15 लाख रुपया देकर अगर किसी आश्रित को या उसके परिवार को एक सांत्वना रूपी आप राशि प्रदान करना चाहते हैं तो यहाँ सोचनीय बात है। यहाँ के यूनियन सभी से भी एक बात उठाएंगे श्रीमान, जब यह हॉस्पिटल लंबे समय से बंद पड़ा रहता है, जब यहाँ डॉक्टर नहीं आते हैं या किसी प्रकार का सुख सुविधा की इलाज की नहीं होती है, उस समय आप चले जाते हैं और जब भी किसी व्यक्ति का साथ दुर्घटना होता है, एक्सीडेंट होता है प्लांट में, तो मुझे लगता है इस दरवाजे पर हर जाति, वर्ग, धर्म और पार्टी के लोग यहाँ पहुँचकर अपनी बात को उठाते हैं। धन्यवाद, मेरा तो काम है कि चीज़ श्रीमान पूछना, और हम हॉस्पिटल का भी दुर्दशा यहाँ के जनप्रतिनिधियों से मिलकर जरूर दिखाने की कोशिश करेंगे। उससे पहले परिजनों के लिए डीवीसी प्रबंधन से एक ही निवेदन है, कृपया इनकी मांग को मानी जाए। जय हिंद श्रीमान।